उमरिया प्रथम नगर आगमन पर जिले के प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे ने खुलेआम अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं का किसी भी प्रकार का अपमान हुआ तो प्रभारी मंत्री से बुरा कोई नहीं होगा। कावरा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अधिकारी अपने दायरे में रहकर काम करें। बहरहाल प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे अगर जनता के कार्यों के लिए अधिकारियों को धमकाते तो ज्यादा अच्छा होता। दरअसल उमरिया पहुंचे प्रभारी मंत्री राम किशोर कावरे का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री कावरे ने अपने संबोधन में अधिकारियों को धमकाते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर भाजपा के एक भी कार्यकर्ता के ऊपर कुछ भी हुआ या उनसे अपमानजनक भाषा शैली का उपयोग किया गया तो वह अपनी खैर समझ लें। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत देखकर मंत्री जी फूले नहीं समाए और इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं राम किशोर कावरे यह वचन देता हूं कि उमरिया के भाजपाइयों का अगर जरा सा भी अपमान हुआ तो उस संबंधित अधिकारी को किसी लायक नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, मंत्री कावरे अगर अधिकारियों को धमकाने के बजाय जनता के कामों के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन सत्ता के नशे में चूर मंत्री को अधिकारियों को धमकाने का कार्य ज्यादा सही लग रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने उमरिया के लिए कई सौगातों की भी बात की। यदि एसडीएम तहसीलदार या अन्य अधिकारी यदि सही पेश नहीं आएंगे तो उसकी भी खैर नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे तपना पड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा भी व्यवहार संगठन का, मेरा भी पार्टी के मंडल अध्यक्षों को से भी अपेक्षा रहेगा कि उनका भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कहते किसी की मजाक नहीं है, राम किशोर कावरे आपको जवाब देता है, ये वचन देता है कि मेरे कार्यकर्ता के साथ में किसी प्रकार से कोई अपमान करेगा कोई अधिकारी तो उसको उस लायक नहीं, लेकिन मेरा काम जो है वो मैं कार्यकर्ता से भी अपेक्षा करता हूँ। यदि संगठन का विस्तार करने के लिए कहा गया है तो मेरा मतदान केंद्र की संरचना भी मेरा मजबूत होना चाहिए। मेरे मंडल अध्यक्ष को मेरे मतदान केंद्र के अध्यक्ष का नाम याद होना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।